हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स के बारे में, जो कि क्या है, whiskbroom और pushbroom। ठीक है, whiskbroom और pushbroom दो स्कैनर्स हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, और शुरुआत करेंगे बट हम लोग सेंसर्स से, बिकॉज जो सेंसर्स होते हैं और स्कैनर्स होते हैं, बच्चों को उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन टाइप रहता है। सो इसका मैं क्लियर आपको कर दूंगी, बिल्कुल ही आपको स्कैनर्स और सेंसर्स का जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, whiskbroom स्कैनर। ये वीडियो जो है वो आपको दो पार्ट में मिलेगी। ठीक है, जिसमें पहले मैंने डिस्कस किया है whiskbroom स्कैनर और दूसरे में मैं डिस्कस करूंगी pushbroom स्कैनर। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सेंसर से। तो बात करते हैं सेंसर्स की। सेंसर सिंपली लिखा है, इट इज अ डिवाइस। सेंसर इज अ डिवाइस दैट गैदर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कन्वर्ट्स इट इनटू अ सिग्नल। ठीक है, सेंसर्स क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे आप लोग, जैसे मैंने शुरुआत में आपको समझा रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इसके ऊपर एक पर्सनली एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो वीडियो देखिएगा उसका। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है, उसे जाके देखिए। ठीक, और साथ ही साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सीरियल वाइज लेक्चर को देखो, पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस टाइप से सीरियल वाइज लेक्चर को देखो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो सेंसर्स क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कलेक्ट करती है और कन्वर्ट करती है उन्हें एक सिग्नल्स में। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया था पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग, या फिर कह लो पैसिव सेंसर्स एंड एक्टिव सेंसर्स बताया था। तो उसमें होता क्या था कि सपोज ये ट्री है। ठीक है, ट्री है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की रेज पड़ रही हैं, सन की रेज पड़ रही हैं, सन की रेज में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कुछ पोर्शन जो है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सन से आ रही है उसका कुछ पोर्शन क्या है, ट्री एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट वो रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, सॉरी सैटेलाइट है, सैटेलाइट पे क्या लगा है, सैटेलाइट पे लगा है सेंसर। ठीक है, जो कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्री जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करेगा, उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट कर कहाँ भेजेगा, आपके ग्राउंड स्टेशन पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, और सिंपली एक्टिव में क्या होता था, ये तो पैसिव था। ठीक है, पैसिव रिमोट सेंसिंग थी। ठीक है, या फिर कह लो पैसिव सेंसर्स का ऐसे कुछ तरीके से काम करते हैं। एक्टिव सेंसर कुछ इस तरीके से काम करते हैं, इसी केस को ले लो, यहाँ पे ट्री है। ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट ने खुद के सिग्नल्स भेजे ट्री पर, खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजा। ठीक है, और क्या होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ ट्री पोर्शन कुछ ना कुछ अब्सॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, वही रिफ्लेक्टेड अमाउंट को क्या करेगा, हमारा जो सेंसर है वो रिकॉर्ड करेगा और सिग्नल में कन्वर्ट करके कहाँ भेजेगा, ग्राउंड स्टेशन पे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो सेंसर सिंपली एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करती है, कलेक्ट करती है और कन्वर्ट करती है उससे सिग्नल्स में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सुनते चलो, ध्यान से ध्यान देते चलो। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड अपॉन द फॉर्म ऑफ डेटा आउटपुट। डेटा आउटपुट के फॉर्म में, फॉर्म के बेसिस पे सेंसर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फिर से, डेटा आउटपुट जो लास्ट में हमें डेटा आउटपुट मिल रहा है उसके बेसिस पे जो सेंसर्स हैं उन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे पहला है वो क्या है, फोटोग्राफिक और एनालॉग, जिसे आप एनालॉग भी कह सकते हो सेंसर, फोटोग्राफिक सेंसर या फिर एनालॉग सेंसर। ठीक, सेकंड क्या है, नॉन फोटोग्राफिक और जिसे हम डिजिटल सेंसर्स भी कह सकते हैं। तो सिंपली डेटा आउटपुट के बेसिस पे क्या किया गया है, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है स्कैनर्स को, सॉरी सेंसर्स को, फोटोग्राफिक और साथ ही साथ में नॉन फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक को हम एनालॉग कहते हैं, नॉन फोटोग्राफिक को हम डिजिटल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ फोटोग्राफिक सेंसर रिकॉर्ड्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट एक्सपोजर। ठीक है, फोटोग्राफिक सेंसर्स की बात करें तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है इमेजेस को, वो भी एक इंस्टेंट एक्सपोजर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को एक इंस्टेंट एक्सपोजर पे ही वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एग्जाम्पल ले लो इसका क्या है, एग्जाम्पल है इसका कैमरा। ठीक है, कैमरा क्या है, कैमरा इंस्टेंट एक्सपोजर पे ही आपका ऑब्जेक्ट, किसी सपोज आपकी फोटो क्लिक करनी है तो इंस्टेंट एक्सपोजर पे ही वो आपकी फोटो क्लिक करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें, ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा फोटोग्राफिक
सेंसर का, ठीक है, फोटोग्राफिक सेंसर का। ठीक, अब बात करते हैं नॉन फोटोग्राफिक सेंसर के बारे में। नॉन फोटोग्राफिक सेंसर की बात करें तो अ नॉन फोटोग्राफिक सेंसर ऑब्टेन्स द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ बिट बाय बिट फॉर्म। ये जो नॉन जो फोटोग्राफिक सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमेज लेते हैं, वो इंस्टेंट एक्सपोजर पे इमेज नहीं लेते हैं, ठीक है, वो क्या बिट बाय बिट फॉर्म लेते हैं। सपोज ये है एक, ये एक बैंड वाइज बैंड, ठीक है, बैंड वाइज बैंड में एक बार इमेज ले रही हूँ। सपोज इतने, ये क्या है, या एक बड़ा सा रूम है, ठीक है, इस बीच में आप बैठे हुए हो, ठीक, तो कैमरा जो है वो क्या करेगा, वो इंस्टेंट एक्सपोजर मतलब पूरा इस पे ही ले लेगा, पूरा इमेज ले लेगा, ठीक है। और ठीक है, तो जो नॉन फोटोग्राफिक सेंसर है वो कैसे इमेज लेते हैं, वो क्या करेंगे, पहले एक बिट, इसे बिट बाय बिट फॉर्म लेंगे, बिट बाय बिट फॉर्म आपकी क्या करेंगे, इस तरह बैंड्स में आपकी फोटो लेंगे पूरी, ठीक है, इस टाइप से फोटो लिया, फोटो लेके फिर एक पूरी कंप्लीट पिक्चर आपके पास या इमेज जो है आपको मिलेगी, ठीक है। इन ये जो बिट बाय बिट करके जो हम लोग ऑब्जेक्ट की इमेजेस लेते हैं, ठीक है, ये जो सेंसर्स होते हैं ना इन्हें हम स्कैनर्स कहते हैं बेसिकली। फिर से बता देती हूँ आपको, नॉन फोटोग्राफिक जो सेंसर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, बिट बाय बिट फॉर्म में इमेजेस लेते हैं, बिट बाय बिट मैं अभी समझा चुकी हूँ, ठीक है। और इन्हीं, ये जो सेंसर जो बिट बाय बिट फॉर्म में इमेजेस लेते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्कैनर्स कहते हैं। तो सेंसर और स्कैनर का तुम्हें कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, नहीं तो पूछो कि सेंसर्स लगे हुए हैं तो स्कैनर की क्या जरूरत है अगर सैटेलाइट में सेंसर लगे हैं। तो सेंसर क्या है, सेंसर बेसिकली समझ लो स्कैनर जो है वो एज अ पार्ट ऑफ सेंसर है, ठीक है, एज अ टाइप ऑफ सेंसर है, ठीक है, स्कैनर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग आपके मुद्दे पे आते हैं, आज की जो मुद्दा है वो क्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, ठीक। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने बात कर ली फोटोग्राफिक और नॉन फोटोग्राफिक सेंसर्स के बारे में। फोटोग्राफिक सेंसर का मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, कैमरा, ठीक है, जो कि इंस्टेंट एक्सपोजर पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज लेता है, ठीक है। और दूसरा बताया था नॉन फोटोग्राफिक स्कैनर सेंसर्स। नॉन फोटोग्राफिक जो सेंसर है वो बेसिकली क्या करता है, बिट बाय बिट फॉर्म में आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज लेता है। अब क्या है, नॉन फोटोग्राफिक जो हमारा सेंसर है उसका एग्जांपल है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक। इन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग द मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स आर यूज्ड एज अ सेंसर। जो सैटेलाइट की मदद से जब हम रिमोट सेंसिंग करते हैं तो उसमें जो है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर जो है वो सेंसर्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स को हम MSS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सिंपली, ठीक है। फिर से बता दूं, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में जो हम स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हैं वो है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स। क्लियर हुई इतनी बात, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बोलते हैं, These sensors are designed to obtain images of the object while sweeping across the field of view. ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये जो sensors होते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से design किया जाता है कि वो क्या करते हैं, object की जो image लेते हैं वो field of view के across swipe करके जो है, sweep कर जो है वो images लेते हैं। ये बात clear नहीं हुई होगी, तो चलो यहाँ पर मैं बताती हूँ। For example, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इतने एरिया की इमेज ले रही है, ये क्या है, हमारा सेंसर है। ये जो सेंसर जो है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि वो जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसके फील्ड ऑफ व्यू, अब आप पूछेंगे फील्ड ऑफ व्यू क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर, आप देखो कोई एक स्कैनर है वो एक पर्टिकुलर जगह तक की, एंगल तक की इमेजेस ले सकता है ग्राउंड पे, ठीक है। वो सपोज आप ले रहे हो किसी सैटेलाइट की मदद से कोई इमेज ले रहे हो, क्या वो सैटेलाइट क्या है, वो पूरे अर्थ को कवर अप कर लेती है, नहीं, कोई एक पर्टिकुलर एरिया ही कवर करती है, ठीक है। वो जो एंगल होता है, ये जो एंगल कवर कर रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू। तो ये जो सेंसर जो कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो फील्ड ऑफ व्यू जो है उसी के, ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये पूरा इतना इतना एरिया, आप लोग को दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये जो पूरा इतना एरिया है, ठीक है, इसको क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। ये फील्ड ऑफ व्यू के अक्रॉस क्या है, स्वाइप कर क्या करती है, इमेजेस ऑब्टेन करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेजेस को लेती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अ स्कैनर इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ रिसेप्शन सिस्टम, ठीक है। ये जो स्कैनर्स होते हैं कुछ इस तरीके से बने होते हैं, इसमें रिसेप्शन सिस्टम लगा होता है जो कि क्या करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होती है उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इमेजेस को लेने के लिए रिसेप्शन सिस्टम लगा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिसेप्शन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मिरर्स एंड डिटेक्टर्स। वो जो रिसेप्शन सिस्टम है उसमें क्या क्या है, मिरर और डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और इमेज लेते हैं, सिंपली कह लो,
ठीक, डिटेक्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं मिरर रिफ्लेक्शन के लिए काम आता है, हाँ ठीक है, अब वो कैसे आते हैं भी मैं सब डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। अ स्कैनिंग सेंसर, यहाँ पे देखो, अ स्कैनिंग सेंसर कंस्ट्रक्ट्स द सीन बाय रिकॉर्डिंग अ सीरीज ऑफ स्कैन लाइंस, ठीक है। एक जो सेंसर होता है वो बेसिकली क्या करता है, सीरीज ऑफ लाइन को स्कैन करते हुए चलता है। सीरीज ऑफ लाइन आप पूछोगे क्या होता है, तो इधर ध्यान से देखो, अब ये सेंसर जो हमारा है ये क्या करेगा, पहले इस लाइन को करेगा, फिर क्या करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा तो फिर यहाँ पे देखो ये अगली लाइन मूव करेगा, अगली लाइन को करेगा, फिर अगली लाइन करेगा, फिर अगली लाइन करेगा, ठीक है। इस टाइप से लाइन वाइज लाइन वो क्या करता है, स्कैन करते हुए चलता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे वो आगे की ओर इस टाइप इस साइड बढ़ता जाएगा, वो एक लाइन इस टाइप से रिकॉर्ड करेगा, फिर लाइन वाइज लाइन वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा सीन की, ठीक है। इसीलिए हम लोग बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको नॉन फोटोग्राफिक हम लोग सेंसर्स में रखते हैं, क्योंकि बिट बाय बिट आपकी इमेजेस लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे लिखा भी हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट द मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ इमेजेस बाय स्कैनर इज रिफर्ड बिट बाय बिट। समझ आया आपको, क्लियर हो गया होगा। इसी कारण, क्योंकि ये सीरीज मतलब लाइन वाइज लाइन स्कैन करता है, इसी की वजह से क्या होता है कि स्कैनर्स को हम बिट बाय बिट भी कहते हैं, ठीक है। बिट बाय बिट इसको कहते हैं, कलेक्शन इमेज जो कलेक्ट करता है इमेजेस को, बिट बाय बिट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक, अगर लग रहा है तो प्लीज गाइज लाइक करते चलिए, ठीक। अब हमने मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स की बेसिक जान ली है, ठीक है, कि क्या होता है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम अपने जो मेन टॉपिक है जो विस्क ब्रूम स्कैनर है उसके बारे में बात करेंगे। पुश ब्रूम जो स्कैनर है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे उसका कंटेंट, राइट। तो जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। फॉलोइंग टाइप्स हैं उसके, दो टाइप्स हैं, सिंपली समझ लो दो टाइप। नंबर वन विस्क ब्रूम स्कैनर एंड नंबर टू पुश ब्रूम स्कैनर। ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हैं वो जो है दो टाइप्स के होते हैं, विस्क ब्रूम एंड पुश ब्रूम, ठीक है। तो विस्क ब्रूम स्कैनर की हम बात करते हैं, तो बात करते हैं हम लोग विस्क ब्रूम स्कैनर्स की, ठीक है। तो विस्क ब्रूम स्कैनर, पहले नाम से देखो, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, विस्क ब्रूम जो झाड़ू, विस्क ब्रूम जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसका मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट राइट टाइप्स, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है, ये जो है ये पुश ब्रूम है। पुश ब्रूम को आप ऐसे ऐसे नहीं यूज करोगे, आप उसे आगे पीछे करके यूज करोगे। आप खुद इमेज को देखकर भी खुद इमेजिन करो कि विस्क ब्रूम को आप कैसे यूज करोगे, साइड बाय साइड यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि कभी इधर जा रहा है फिर इधर यूज कर रहे हो हाथ से पकड़ के, बट पुश ब्रूम को आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। ये जो पुश ब्रूम है, ठीक है, तो इसको आप कैसे यूज करोगे, कभी आगे इधर को आगे करोगे या पीछे करोगे, ठीक है, इस तरीके से यूज करोगे। तो विस्क ब्रूम जो स्कैनर है वो कैसे यूज होता है, लेफ्ट राइट करके। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो इमेज है ये विस्क ब्रूम स्कैनर की है, ठीक है। ये देखो इसमें कैसे वो स्कैनिंग कर रहा है, स्कैनिंग कुछ इस तरीके से कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में कर रहा है बजाय इस डायरेक्शन के, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसीलिए मैंने ब्रूम्स की आपको इमेजेस भी दिखा दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो विस्क ब्रूम स्कैनर क्या है, लेफ्ट राइट करके स्कैन करता है, और जो पुश ब्रूम है वो क्या, आगे पीछे करके करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो। सो विद द विस्क ब्रूम स्कैनर्स आर मेड अप ऑफ रोटेटिंग मिरर एंड अ सिंगल डिटेक्टर, ठीक है। विस्क ब्रूम जो स्कैनर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट करके मूव करते हैं कुछ इस डायरेक्शंस में, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो होता है, ये जो एक इसमें एक ही डिटेक्टर लगा होता है, एक सिंगल डिटेक्टर होता है और एक रोटेटिंग मिरर होता है, ठीक है। एक सिंगल डिटेक्टर होता है, एक रोटेटिंग मिरर होता है, वो कैसे स्कैन करता होगा उसका एग्जाम्पल ले लो, जस्ट लाइक सायरन। आपने देखा होगा पुलिस सायरन, यहाँ पे मैंने सायरन की इमेजेस ले रखी हैं। सपोज करो ये जो बीच का ये जो लाइट है वो क्या है आपकी, वो है आपकी डिटेक्टर, ठीक है। ये जो आपकी जो लाइट है वो डिटेक्टर है, और ये जो आपको मिरर दिख रहा है वो क्या है, मिरर, रोटेटिंग मिरर है। आपको लगता है जब आप सायरन को बाहर से देखते हो तो आप लोगों को लगता है, पता नहीं ऐसा लग रहा है लाइट अंदर घूम रही है, ठीक है। असलियत में वो लाइट नहीं घूमती है, लाइट तो एक जगह स्टेबल होती है, ठीक है, डिटेक्टर तो एक जगह स्टेबल होता है, बट वो क्या करता है, वो मिरर क्या हो रहा होता है, घूम रहा होता है चारों ओर, जिसकी वजह से आपको लगता है अंदर कोई लाइट है जो कि घूम रही है, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से ही होता है हमारा whiskbroom स्कैनर का कंडीशन. एक डिटेक्टर होता है और एक रोटेटिंग मिरर होता है. तो रोटेटिंग मिरर के रिफ्लेक्शन के कारण जो है रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसके कारण जो है वो डिटेक्टर क्या करता है इमेजेस को लेता है. इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे देखो द मिरर इज सो ओरिएंटेड दैट व्हेन इट कंप्लीट्स अ रोटेशन. मिरर अगर कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होता है, कुछ इस तरीके से लगा होता है कि जब हम लोग एक रोटेशन कंप्लीट करता है मिरर अपना, तो द डिटेक्टर स्वीप अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू बिटवीन 90 to 1, यहाँ डिग्री होगा 90 degree to 120 degree, टू ऑब्टेन एन इमेजेस इन अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्पेक्ट्रल बैंड रेंजिंग फ्रॉम विजिबल टू मिडिल इंफ्रारेड रीजन इन ऑफ अ स्पेक्ट्रम. एग्जैक्टली. चलो यहाँ पे देखो कुछ मिरर कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होता है. ठीक है, कि जब वो अपना एक रोटेशन जो है कंप्लीट करता है तो जो डिटेक्टर है वो क्या करता है, स्वाइप करता है, मूव करता है. ठीक है, आगे मूव करता है. ठीक है, वो भी क्या करता है, फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू मैं आपको बता चुकी हूँ. सपोज ये क्या है आपका डिटेक्टर, ये क्या है आपका फील्ड ऑफ व्यू है. ठीक है, इतना फील्ड ऑफ व्यू उसका है. ठीक, वो क्या करेगा, आगे की ओर स्वाइप करेगा. ठीक है, और क्या करेगा, सिंपली इस कंडीशन में, इस मतलब क्या कहते हैं, बैंड्स में इमेजेस लेता है. ठीक है, तो जिस तरीके से whiskbroom काम करता है लेफ्ट एंड राइट वाला बैंड, उस तरीके से ये क्या करता है, बैंड्स देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो बैंड्स के रूप में, बैंड्स के रूप में ये क्या करता है आपका इमेजेस लेता है. यहाँ पर देखो ये हो गया एक बैंड, तो बहुत बड़ा हो गया. हाँ ये देखो ये बैंड हो गया, ये छोटे छोटे बैंड्स हैं, उसके रूप में फील्ड ऑफ व्यू के अक्रॉस उसका मिरर जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो जो आपका डिटेक्टर होता है वो स्वाइप करता है 90 से 120 डिग्री तक. और क्या करता है, बैंड, जो बैंड के रूप में, एक एक बैंड के रूप में क्या करता है आपकी इमेज लेता चलता है. ठीक है, और वो भी बैंड्स में लेता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बिट बाय बिट क्या करते हैं, नॉन फोटोग्राफिक उसके अंदर रखते हैं, नॉन फोटोग्राफिक सेंसर्स के रूप में रखते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आप हमेशा याद रखना, ये लेफ्ट एंड राइट मतलब ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से करके ये स्कैनिंग करते चलता है. ठीक है, इसीलिए इसको whiskbroom स्कैनर कहते हैं. ठीक है, इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या करता है, ये इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्कैनिंग करते हुए चलता है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कैन का डायरेक्शन ये है. ठीक है, और वो भी कितने से, विजिबल रीजन से लेकर मिडिल इंफ्रारेड रीजन तक के स्पेक्ट्रम तक का स्कैनिंग मतलब वो चलता है. ठीक है, ये स्पेक्ट्रल बैंड है इसका बेसिकली. तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो कि whiskbroom में, मैं फिर से आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक रोटेटिंग मिरर होता है और एक सिंगल डिटेक्टर होता है. और मिरर जो होता है वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होता है कि जब वो अपना पहला एक रोटेशन कंप्लीट करे तो डिटेक्टर जो है वो स्वाइप करता है बिटवीन 90 to 120 degree, और क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स में क्या करता है, स्पेक्ट्रल बैंड्स में सिंपली समझ लो, या फिर बिट बाय बिट कह सकते हो, अपना क्या करता है इमेजेस लेते चलता है. ठीक है, और जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो कहाँ तक होती है, विजिबल टू मिडिल इंफ्रारेड रीजन. स्पेक्ट्रल मैंने EMR के स्पेक्ट्रल जो बैंड्स हैं उस पर वीडियोज बना रखी थी. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो भी है उस पर वीडियो बना रखी थी, आप लोग उसे देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज विजिबल रीजन, व्हाट इज इंफ्रारेड, लाइक दैट. राइट, क्लियर हो गया होगा इतना थोड़ा बहुत, तो whiskbroom स्कैनर का क्लियर हो ही गया होगा. थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसको वो करना, उसको पढ़ना. बट अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा. इसका सेकेंड पार्ट में हम whiskbroom स्कैनर की बात करेंगे. राइट, whiskbroom का क्या होता है बेसिकली, डायरेक्शन जो होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पर आपने ध्यान दिया तो इस डायरेक्शन में आपका वो कर रहा था बैंड्स जो इमेजेस ले रही थी. ठीक है, इस बिट बाय बिट ये डायरेक्शन था, उसमें क्या होता है कुछ इस टाइप का डायरेक्शन होता है whiskbroom में, क्योंकि whiskbroom क्या करता है, आगे पीछे वर्क करता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिए थे. सो गाइज, वीडियो अगर फिर भी पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. ठीक है, और साथ ही साथ में अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेल आईडी आपके पास है, मेल कर सकते हो क्वेश्चंस को. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे जो कि होगी whiskbroom स्कैनर्स पे.